नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का शेडी ग्लोब्स पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी लिमिट्स तय कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाता है। आपने फेसबुक के ऊपर कमेंट किया, उस कमेंट का नेचर क्या है, क्या वो वाकई में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्योंकि वो कमेंट जिस तरीके से किया गया है उसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत मैटर करता है। इसी बात पर मैं आना चाहूंगा। ये जो मेरे पीछे आप लोग व्यक्ति देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के एक्स एमएलए हैं, डीएमके पार्टी के, जिनका नाम है एस शेखर। दरअसल मैं स्टोरी पर आऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज जो है कॉन्टेक्स्ट वो बता देता हूं। जब भी आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 पता होना चाहिए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कहीं पर भी देश की जो सॉवरेनिटी है, अखंडता है, इंटीग्रिटी है, इस पर कोई भी जो है वो आंच नहीं आनी चाहिए। अगर वो कहीं मुसीबत में आ रही है तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो छीना जा सकता है। दूसरी बात, अगर आप फेसबुक पर कोई कमेंट कर रहे हैं और उसके बाद में आप माफी मांग रहे हैं कि नहीं वो मुझसे गलती से हो गया था, तो माफीनामा जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये वाक्य जो है वो कहा है कि अब से अगर कोई भी आप लोग फेसबुक पे कमेंट करते हैं और बाद में जाकर आप माफी मांग लेते हैं कि मेरे से गलती से हो गया, तो इसमें आपको कोई माफीनामा देने की जरूरत नहीं है, सजा आपको मिलेगी। समझ रहे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक का। बहुत सारे मीडिया हाउस जो है उन्होंने इसको कवर किया है कि सोशल मीडिया यूजर शुड बी मोर केयरफुल अबाउट इट्स इंपैक्ट रीच। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी आप कमेंट करें तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड सोशल मीडिया यूजर शुड बी केयरफुल अबाउट इट्स इंपैक्ट एंड रीच एज इट डिसमिस्ड अ पिटीशन फाइल्ड बाय एक्टर एंड फॉर्मर तमिलनाडु एमएलए एस वी शेखर। तो ये जो है वो डीएमके पार्टी के एक्स एमएलए रह चुके हैं, इन्होंने एक पिटीशन दायर की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बेसिकली फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया गया था 2018 के अंदर, ठीक है। और ये पोस्ट क्यों किया गया था सबसे पहले वो समझिए। 2018 के अंदर बनवारीलाल पुरोहित जो कि गवर्नर थे तमिलनाडु के, अब गवर्नर की पोस्ट जो है वो अपने आप में ही एक निष्पक्ष पोस्ट होती है, एक पद होता है, बड़ा गरिमा युक्त एक पद होता है। तो कुछ महिला पत्रकार थी जिन्होंने बनवारीलाल पुरोहित पर, जो कि राज्यपाल थे उस समय, उन पर जो है वो अभद्रता का आरोप लगाया था कि इन्होंने जो है वो हमारे साथ में बदसुलूकी की है। इसी के चीज के सपोर्ट में, मतलब राज्यपाल के सपोर्ट में, एस शेखर जो है इन्होंने फेसबुक के ऊपर कमेंट किया और मिस वर्ड जो है, इनकी गलत वर्ड जो है उनको यूज किया फेसबुक पर, और जो महिला जर्नलिस्ट थी इनके ऊपर जो है कई एलिगेशंस लगाए गए थे। इसके विरोध में जो महिला पत्रकार थी इन्होंने एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी थी। किसके खिलाफ? एस शेखर के खिलाफ, कि इन्होंने फेसबुक पर जो कमेंट किया है वो बड़ा जो है अभद्र गलत कमेंट है। मैं सिक्के के दोनों पहलू बताऊंगा। सबसे पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील जो था वो उन महिला जर्नलिस्ट की तरफ से था और दूसरा जो वकील है वो एस शेखर की तरफ से था। तो जो महिला वकील था उसने ये कहा कि ये जो कमेंट किया गया था फेसबुक पर ये महिलाओं के लिए बड़ा अभद्र है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था। अब तो वो जो फेसबुक कमेंट है वो डिलीट हो चुका है ना। अब जो है मैंने ढूंढा भी लेकिन मिला नहीं वो। तो ये कहा गया कि बड़ा ही गलत वो कमेंट किया गया था। इस पर एस शेखर ने यह कहा कि जिस दिन मैंने ये फेसबुक पर कमेंट किया उस दिन मैंने आंखों के अंदर एक दवा डाल रखी थी जिससे मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, और इसीलिए फेसबुक का कमेंट जो है वो जब मैंने किया तो मैं जो है वो ठीक ढंग से देख नहीं पाया। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वाकई में जब आपको दिख ही नहीं रहा था तो फिर आपने फेसबुक पर कमेंट ही क्यों किया? क्या इतना जरूरी था कमेंट करना? अभी मैं उस पॉइंट पर आऊंगा। तो बेसिकली जो दो जजेस की केस थी उन्होंने उस अपील को जो है उसको खारिज कर दिया, पिटीशन को, और बेसिकली मद्रास हाईकोर्ट से ये केस जो है वो ट्रांसफर हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको डिसमिस जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जो आर्गुमेंट हुआ है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार ये आर्गुमेंट जो है वो क्या था। एस शेखर जो है उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, अपोलाइज करता हूं, मैंने फेसबुक का कमेंट जो है डिलीट कर दिया है। आई केम फ्रॉम ए रेस्पेक्टेड फैमिली, कि मैं एक बहुत रेपुटेड फैमिली से आता हूं, दैट रेस्पेक्ट्स वुमेन जर्नलिस्ट
आई हैड पुट मेडिसिन इन माई आईज, आंखों में मैंने दवा डाली थी एट दैट टाइम, विच इज वाई आई कुड नॉट रीड द कंटेंट ऑफ द पोस्ट आई शेड। ये तो वो बात हो गई कि मुझे दिख नहीं रहा है, फिर भी जो है मैं रास्ते पर सही ढंग से जो है वो चलने की कोशिश कर रहा हूं। भाई नहीं दिख रहा है, अंधेरा है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, इंतजार कीजिए सवेरे का। तो जब आपको ढंग से दिखना शुरू हो जाए तब आपको कमेंट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि वाई डू यू हैव टू फॉरवर्ड सोशल मीडिया पोस्ट इवन वेन यू हैव ड्रॉप इन योर आईज। ठीक है, तो जब आपने आंखों में दवाई डाली थी तो फिर देख फेसबुक कमेंट करने की कहां जरूरत पड़ रही थी आप लोगों को, इसीलिए बी केयरफुल। और ये पिटीशन जो है खारिज कर दी है, और आगे से अगर कोई भी फेसबुक पर कमेंट करता है और वो माफी मांगता है तो उसको माफ नहीं किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। इसके कॉन्टेक्स्ट में ही आप लोगों से एक केस जो है मैं जिक्र करना चाहूंगा, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था 2015 का। बेसिकली जब बाल ठाकरे की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, उस समय दो लड़कियों ने फेसबुक पर जो है कमेंट किया था। ठीक है, अब उन्होंने ये सोचकर कमेंट किया कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट कर लिया कि नहीं, आपको जो है बोलने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने अरेस्ट किस बेसिस पर किया था? बेसिकली एक आईटी एक्ट जो है वो 2000 के अंदर बनाया गया था, उसकी ही एक सेक्शन था जिसका सेक्शन था 66A, जिसके तहत जो है उनको अरेस्ट किया गया। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उनकी वॉयलेट हो रही थी, आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा था। इस समय जोधपुर की रहने वाली श्रेया सिंघल, जो कि एक लॉयर स्टूडेंट है, लॉ की स्टूडेंट है, उन्होंने केस जो है फाइल किया, और उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई दी कि बेसिकली ये जो आईटी एक्ट बना था 2000 में, उसका सेक्शन है 66A, इसको रद्द किया जाए, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको वायलेट करता है। और ये जो जजमेंट था वो लैंडमार्क जजमेंट बना था। हाल ही में अनअकैडमी पर क्या हुआ पता है आपको? अनअकैडमी पर जो भी कुछ हुआ है, क्या वाकई में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप उस जो टीचर है, एजुकेटर है, उनके पक्ष में कि विपक्ष में, एक छोटा सा कमेंट जो है मुझे करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग जो है साइकोलॉजी के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया है। इसके साथ में ही प्रहार बैच आप लोगों के लिए, यूपीएससी के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट जो है फ्लैट 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।